तो गाइज आज मैं पहली बार वाटर कलर्स को यूज करने वाला हूँ और काश मैं भी बाकी आर्टिस्ट की तरह ये कह पाता कि ये मुझे गिफ्ट करे इस ब्रांड ने, लेकिन मुझे कोई ब्रांड कुछ भेजता ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, तो मां शिवरात्रि आ रही तो मैंने सोचा शिव जी को ड्रॉ करता है। और जब भी मैं कोई डिवाइन ड्रॉइंग ड्रॉ करता हूँ तो मैं सोचता हूँ उसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करूँ ताकि उस पर एक यूनिकनेस आए। तो वैसे तो मैं पहले इसे एक्रेलिक से ड्रॉ कर रहा था लेकिन उस पर वैसा कलर नहीं आया जैसा मैं चाह रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस बार इसे वाटर कलर से ट्राई करता। तो मैं जल्दी से वाटर कलर ऑर्डर करे और मैं लग गया काम पे। तो अगर कोई कमी नजर आ रही हो तो माफ कर देना, पहली बार यूज कर रहा हूँ मैंने, क्योंकि वाटर कलर की ये खास बात है कि अगर तुम्हें लगा है किसी पार्ट पे तुमने कलरिंग सही नहीं करी तो तुम्हें बस पानी के साथ उसको दोबारा ब्लेंड इन कर देना है, वो वापस रिएक्टिवेट हो जाते हैं कलर। लेकिन तुम ये सेम चीज एक्रेलिक कलर के साथ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें किसी जगह पे कोई चीज खराब लग रही हो तुम्हें उसे ठीक करनी हो तो तुम्हें दोबारा एक उसका पेंट बनाना पड़ता है और उसे करना पड़ता है, और वो पेंट बिल्कुल इक्वल सेम होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ड्राइंग फिर डिफरेंशिएट करेगी उस एरिया में। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने एक्रेलिक से कृष्ण जी की ड्राइंग ड्रॉ करी थी तो बहुत दिक्कत आई थी।